माइलेज तो फर्स्ट क्लास है, मैंने पहले भी कहा फिर भी कर रहा हूँ कि ये गाड़ी जो होता है ना जीरो मेंटेनेंस तो रहता ही है, और ये गाड़ी नया से कुछ कम भी नहीं है। ओके ओके, 25,000 किलोमीटर ओनली ड्रिविंग। कितना? 25,000 चला हुआ। सुनिए, 25,000 driven ever, great. वो भी किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परिंग है, रिकॉर्ड है, पूरा हिस्ट्री है इसका, कागज भी है, हिस्ट्री है जी। प्राइस पे आता हूँ, प्राइस तो इसका जो प्राइस मैं देने वाला हूँ ना, पैकेज प्राइस होने वाला। अच्छा, पैकेज प्राइस क्या है देखते हैं। पैकेज प्राइस ये है, इसका इंश्योरेंस, नेम ट्रांसफर, अच्छा, एक ही प्राइस के अंदर रहेगा। ओके, आप कहीं से भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप देख रहे हो, अगर एनओसी हो, एनओसी वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर से हो तो भी नाम ट्रांसफर आपको उसी प्राइस में हो जाएगा। वाह, वेरी गुड। प्राइस होने वाला है 2,35,000 ओनली, 2,35,000 में नेम ट्रांसफर विद इंश्योरेंस के साथ। भाई गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा, ड्राइवर भी है, स्टार्ट कीजिए भाई, स्टार्ट कीजिए, बुलेट उठाइए, तब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आज। कहते हैं बीट में बैक कंप्रेसर या स्मोक आना जरूरी होता है ना। हाँ, कैमरा क्लोज आइए धीरे। अरे ग्रेट भाई, ग्रेट, और जो देखना है मैंने देख लिया, जितना भी एक्सलेट कर लो, जो भी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। वाह, ना स्मोक आने वाला है ना बैक आने वाला। जाइए कैमरा दूर जाइए थोड़ा। ग्रेट भाई, ग्रेट, मानना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीजन बताते तो, ये 2012 की गाड़ी है, 12 की कार, ठीक है। अच्छा, पूरा गाड़ी आप घूम के देख लीजिए। हाँ, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। ये सुनिए, कोई भी अगर बता देना कि नहीं है, देख लीजिए अभी भी बोनेट में, बॉडी में, इसका चमक देख के कोई भी बोल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्रैचेस आपको मिल जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बात, इसमें बैटरी नया हुआ है, नया बैटरी है, न्यू बैटरी मिलेगा, न्यू बैटरी है भाई, ध्यान दीजिए। और एक बात, इसका चारों टायर भी न्यू है। प्राइस देने वाला हूं एकदम धमाका बाइक। अच्छा, 2,39,000। ये देखिए, बिल्कुल एकदम आपको टैक्स का फिक्र नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चारों टायर न्यू है, बैटरी बिल्कुल न्यू है, 2,39,000। दोस्तों, आज मैं ना तो 25 कार्स दिखाऊंगा, ना 30 कार्स दिखाऊंगा, ना 15 कार्स दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं कुछ चुन चुन के कार ऐसा लाया हूँ जो घर के लिए जरूरत है, बिजनेस के लिए जरूरत है, आपका पर्सनल पर्पस में जरूरत है, ऑफिस के लिए जरूरत है, दफ्तर के लिए भी जरूरत है। आज कुछ सेडान दिखाऊंगा, कुछ हैचबैक दिखाऊंगा, एंड भरपूर माइलेज वाली कार आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल लो मेंटेनेंस के ऊपर आज मैं आपको कार दिखाना चाहता हूँ। और प्राइस जो दूंगा आपको, देख बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा जो भाई ये हाई प्राइस है या फिर बहुत ज्यादा प्राइस है, आपको लगेगा कि भाई ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है। और कार का क्वालिटी के बारे में इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा ताकि मैं वीडियो में आपको आगे चल के प्रूफ करूंगा जो आज मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। और जैसे कि आपको पता है, मैं जहां पर भी आता हूँ वहां का जो अथॉरिटी है उनका साथ में आपका बात कराता हूँ, और आज भी बात कराऊंगा, उन्हीं का मुंह से डिटेल जानकारी भी लूंगा, जो जितना भी कार दिखाऊंगा हर एक कार का बारे में, कितना किलोमीटर रन किया है, टैक्स कहां तक है, कलर ओरिजिनल है कि नहीं, कार का इनसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या है। अच्छा, आप में से काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो बंगाल की बाहर से हमें देख रहे हो, आपके लिए एनओसी फैसिलिटी है कि नहीं, वो भी आज इसी वीडियो का माध्यम से पता चलेगी। फाइनेंस सबसे बड़ी चीज है, फाइनेंस है कि नहीं, वो भी आज इसी वीडियो का माध्यम से आपको पता चलेगी। तो चलिए, बिल्कुल भी देर न करते हो, आज हम जहाँ आए हैं यहाँ का जो अथॉरिटी है उनका साथ आपका डायरेक्टली बात करा दें। जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे दादा? एकदम ठीक है, आप कैसे बताइए? मैं भी ठीक हूँ। दिवाली कैसे कटा? एकदम जबरदस्त, आपका भी फर्स्ट क्लास कटा, लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, हो सकता है अभी वेदर चेंज हो रहा है। दादा, आज तो ऑल ओवर इंडिया से आपको दोस्त लोग देख रहे हैं, आप पहले यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझा। देखिए, लोकेशन तो यहाँ पे जो है पूरा प्राइम लोकेशन है, सेंट्रल कोलकाता के बीच में मैं बैठा हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप नॉर्मल ज्योतिन दास में उतर जाइए, ज्योतिन दास में 2 मिनट लगता है अगर आप ऑटो चाहिए, 2 मिनट घड़ी देख के, ठीक है। एक ऑटो पकड़े, बोले मुझे हजरा रोड उतरना, वो आपको उतार देगा, नेशनल बॉयज स्कूल के सामने। और ट्रेन रेलवे स्टेशन अगर नियरेस्ट बोले तो बालीगंज, आप वहां से उतर के कोई भी ऑटो में बैठ के बोलिए मुझे प्रिया सिन्हा हॉल के सामने उतरना है, वो उतार देगा, आप उतार देगा। अच्छा, ठीक है। सर, कितना सारा स्टॉक रखते हैं अभी? अभी तो फिलहाल 10 गाड़ी का स्टॉक है, बट आप भी देख रहे हैं उधर पूजा हुआ जगह बहुत से ना, 2-3 पार्किंग मेरा पंडाल वगैरह हो गया जी, जी, जी। तो गाड़ी इधर उधर रख दिया गया जी। हर किसी का ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली हम लोग दुर्गा पूजा से काली पूजा होता है, बहुत ज्यादा इतना पंडाल हो जाता है ना,
तो पार्किंग के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, और सर फाइनेंस का क्या फैसिलिटी? फाइनेंस तो भैया हमारे यहाँ पैन इंडिया होता है। पैन इंडिया होता है, मतलब होता है। वेरी गुड, सुनिए, पैन इंडिया हम ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप हो, मैं फाइनेंस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरू किया जाए? एनओसी थोड़ा बता दीजिए। एनओसी तो भाई ऑल ओवर इंडिया के लिए मैंने बोली दे रहा, फाइनेंस जब करूंगा तो एनओसी देना ही पड़ेगा मुझे ना। एनओसी भी दे देंगे, एनओसी के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ट्रांसफर में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी गाड़ी आप परचेस कीजिए नेम ट्रांसफर मैंडेटरी है। अच्छा, ओके, मेन नेम ट्रांसफर के बगैर हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ते। ठीक है, आप गाड़ी लेके जाइए, पेपर वर्क हो जाएगा, आपको नेम ट्रांसफर 7 डेज में हम लोग करके देंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। नमस्कार, मैं हूं दयाल किश्नो, आप देख रहे हैं इंडिया ट्यूब, राइट टाइम राइट चॉइस राइट इन्फॉर्मेशन का साथ। आज हम आ गए हैं बिल्कुल हजरा सेंट्रल कोलकाता में, और इग्निशन व्हील्स में, और इग्निशन व्हील्स का आज का इस सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं इंट्रो में आपको कह रहा था कि आज मैं कुछ ऐसा कार दिखाऊंगा जो बिल्कुल मेंटेनेंस भी लो है और माइलेज फर्स्ट क्लास है। सर, मैंने सुना है ऐसे जो इस कार का माइलेज फर्स्ट क्लास, माइलेज तो फर्स्ट क्लास है। मैंने पहले भी कहा, फिर भी कर रहा हूँ कि ये गाड़ी जो होता है ना, जीरो मेंटेनेंस तो रहता ही है, और ये गाड़ी नया से कुछ कम भी नहीं है। ओके ओके, 25,000 किलोमीटर ओनली ड्रिविंग। कितना? 25,000 चला हुआ। सुनिए, 25,000 ड्रिवन है भाई, ग्रेट। वो भी किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परिंग है, रिकॉर्ड है, पूरा हिस्ट्री है इसका, कागज भी है, हिस्ट्री है जी। ठीक है, गाड़ी पूरा आप देख लो दयाल दा, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में। मैं ऐसे नॉर्मली बोल देता हूँ कि आप भी देखिए, देख लीजिए कि ओरिजिनल पेंट पे पूरा गाड़ी। और मैं ऐसे में भी कस्टमर लोग को बता देता हूँ, इस सामने का या पीछे का बंपर हम लोग रिपेंट करते हैं, वो अलग बात है, इसमें कुछ नहीं किया बंपर, इसमें ओरिजिनल है ये नहीं, इसमें टच भी नहीं मैंने किया, जो है वही गाड़ी। ये घर की कार है, देख के लग रहा है, कोई भी देख के बता देगा। जिसके पास ये गाड़ी थी ना, तो वो गाड़ी बंदा बहुत एजेड पर्सन थे, तो जानते हैं ना, एजेड पर्सन के पास गाड़ी रहना मतलब साफ सुथरा रखे गाड़ी, वो एकदम एकदम साफ सुथरा गाड़ी रखते, वो लोग ज्यादा चलन नहीं है तो रखना ही नहीं होता। सही बात। तो आते हैं गाड़ी के फीचर्स के ऊपर। गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा सेंट्रल रिमोट लॉक, तो मिल ही रहा है। अच्छा, क्विड में जानते हैं सामने ही दो पावर विंडो होता है, और ये BS6 कार है, ये BS4 नहीं है। अच्छा, BS6 है, ये BS6 है। Fantastic. माइलेज इसका नॉर्मली आप अगर देखें तो नॉर्मल, अगर इसका जितना भी आपका माइलेज मिल जाए तो 16 का नीचे आपको नहीं मिलेगा। 16 सिटी में? सिटी में सोचिए, अगर सही से चला है तो वो तो 100% चलाने के ऊपर माइलेज डिपेंड करते हैं, फिर भी एवरेज देखा जाए तो 16 माइलेज ये तो देती है सिटी का अंदर। सोचिए, अब हाई रोड में जाओगे तो कम से कम 2-3 तो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो तो बढ़ता ही है जी। अच्छा, अब गाते हैं गाड़ी के प्राइस के ऊपर। मार्केट में 20 की एंड की गाड़ी, 25 की एंड तक BS6, क्या प्राइस होना चाहिए? सर, प्राइस में नहीं बताता हूँ, फिर भी बताइए। सुना है आपका पास प्राइस झक्कास मिलता है। मैं जो प्राइस देता हूँ वो सही में कस्टमर के रीजनेबल प्राइस होता है। हाँ, हाँ। पूरा रीजनेबल प्राइस जी जी, ना मार्केट से मैं ज्यादा मांगता हूँ ना मार्केट को बराबर के, क्योंकि मैं जिस प्राइस पे लाता हूँ मैं उसी प्राइस पे गाड़ी देता हूँ। सही बोल रहे हैं, 359,000 फाइनेंस तो हो ही जाएगा आराम से, जीरो डाउन पेमेंट में गाड़ी दूंगा बस। और क्या कहे आपको, जीरो डाउन पेमेंट में ये गाड़ी होता है। और एक बात बता दो, ये पैन इंडिया लोन मेरे पास, हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा, मेरे पास पैन इंडिया लोन अभी भी अवेलेबल। अच्छा, इंडिया का कहीं से भी आप देख रहे हो दोस्तों, तो पैन इंडिया लोन पॉसिबल है अगर क्राइटेरिया मैच करे तो। आपका प्रोफाइल मैच हो गया, प्रोफाइल सही है जी, आपका पेपर वर्क सब सही है, तो आराम से मैं लोन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देखिए स्क्रीन पर नंबर है इग्निशन व्हील्स की, फटाफट कॉल कीजिए, इससे पहले कि इतना खूबसूरत क्विट का चाबी किसी दूसरे के हाथ में चला जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं भाई, आप आपके ओनर बन जाइए। चलिए नेक्स्ट कार। बस ये नॉर्मल सैलरियो नहीं है, आप देख के समझ सकते हो, जो ये सैलरियो एक्स है, फेसलिफ्ट है, फेसलिफ्ट है। यही तो एक चीज बता देता हूँ कस्टमर के पास ना, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझा दीजिए। समझा इसलिए देता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि सैलरियो, सैलरियो दो टाइप का है, एक नॉर्मल सैलरियो है, आपके पास भी है एक सैलरियो, तो आपके साथ इसका एक ही चीज में मैं फर्क समझा देता हूँ। आपके गाड़ी में देखिए नॉर्मल सैलरियो में क्या होता है ना, पूरा गाड़ी देखिए सिर्फ एक कलर में आता है। सही बात, ठीक है, कोई डिजाइन सैलरियो नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा सैलरियो एक्स में क्या क्या एक्स्ट्रा आता है मैं बता देता हूँ। डुअल टोन में आता है, डुअल टोन, क्यों, कैसे, बंपर देखिए दो रकम, दो टाइप का कलर, दो टाइप का कलर है। मिरर इसका जो ओवरव्यू में जाता है वो अलग रहता है, ये अलग है। रूफ रेल का कलर ब्लैक रहता है जी जी, यहाँ ये भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, नहीं ये इसमें आता है, इसमें आता है, नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल में नहीं है, वही बोल रहे हैं। पीछे इसमें ऊपर में देखिए स्पॉइलर लगा हुआ रहता है, स्पॉइलर लगा हुआ है जो एक्स में आता है, एक्स में आता है, नॉर्मल में नहीं नहीं आता। ठीक है, और भी इसमें एक्स्ट्रा क्या देखिए, लेदर साइड में ग्लाइडिंग दिया हुआ है, वो तो रहता ही है, ग्लाइडिंग वगैरह सब रहता है, प्लस इसमें लेदर सीट कवर आता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, देख लीजिए अंदर में आप है, इसीलिए भाई। ठीक है, देखिए अब आता हूँ फीचर्स के ऊपर। गाड़ी 2018 की है। अच्छा,
28 तक टैक्स है, 28 तक टैक्स है, ध्यान दीजिए बस, 18 की गाड़ी 28 तक टैक्स, 28 तक टैक्स। किलोमीटर चला हुआ कितना पता है आपको? कितना दादा? ओनली 18,000। कितना? 18,000। ये सुनिए, वो भी हिस्ट्री है, 18 की कार है, 18,000 चली हुई है, वो भी कागज का साथ, यानी कि सर्विस हिस्ट्री, हिस्ट्री पूरा मिल जाएगा आपको। देखिए, यानी कि जो इस कार को लेंगे, जो ओनर बनेंगे, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, आराम से आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में ऐसा, इसमें भी कोई टचअप नहीं, नहीं नहीं कुछ टच नहीं किया, देख के पता चल जाएगा, आराम से देख लीजिए, आइए, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। और ऐसा कार मिलना इसलिए मुश्किल है ताकि जिसका पास है वो तो छोड़ेंगे नहीं, अभी बहुत मजा लेंगे। अभी 18 की कार है भैया, 28 तक टैक्स है, सोचिए 18,000 कुछ भी नहीं चला है, कुछ 18,000 कुछ मतलब ये एक नंबर है बस, कुछ चला ही नहीं है, गाड़ी में बैठेगा तो वो नया का फील पूरा ही आने वाला है। जी जी, चलिए आते हैं प्राइस को, क्या रखे, क्या होना चाहिए प्राइस सर? आप ही बताइए, नहीं बताइए ना, मैं ही बता देता, चलिए 3,49,000, 349, थोड़ा भी कम बेसी होगा। चलिए आइए, आप टेबल पर बैठिए तो सही, एक बात आप टेबल पर बैठिए, हम लोग कैमरा के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और फोन पर भी बार्गेनिंग मत कीजिए। आपको अगर अच्छी क्वालिटी की कार चाहिए तो आइए, आके टेस्ट राइड कीजिए, लेके जाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखा, और एक गजब की कार दिखा रहा हूँ, देखिए ये तो है तो बीट दादा। ऐसा मैंने सुना है कि इसका माइलेज का सामने कोई टक्कर लेने वाली इस सेगमेंट का कार है नहीं, नहीं है, नहीं है, डीजल में है? बीट डीजल हाँ। जो माइलेज देता है ना, आप हाँ। सोच भी नहीं सकते। अच्छा, 25 का माइलेज देता है गाड़ी, 25 का माइलेज, 25 का माइलेज देता है। इसका बैक कंप्रेसर है, बैक कंप्रेसर आप बता रहे ना भाई, गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा, ड्राइवर भी है, स्टार्ट कीजिए भाई, स्टार्ट कीजिए, बोनेट उठाइए, तब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आज। कहते हैं बीट में बैक कंप्रेसर या स्मोक आना जरूरी होता है ना। हाँ, कैमरा क्लोज आइए धीरे, अरे ग्रेट भाई ग्रेट, और जो देखना है मैंने देख लिया, जितना भी एक्सलेट कर लो, जो भी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला, ना स्मोक आने वाला है ना बैक आने वाला। जाइए कैमरा दूर जाइए थोड़ा, ग्रेट भाई ग्रेट, मानना पड़ेगा, तब तो ये कार जिसका नसीब में है वो सचमुच नसीब वाला है। और एक चीज बताओ, अभी तो आपको इंजन दिखाया, थोड़ा साइड वगैरह देख लीजिए, आइए दिखाइए, दिखाइए थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाइए थोड़ा इधर, बैटरी न्यू है बट देख लीजिए कहीं कुछ दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल पेंट में जैसा था वैसा, गंदगी भी नहीं है, साफ सुथरा कार है, एकदम फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक भाई। ये देखिए ये सब बिल्कुल साफ सुथरा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कोई डस्ट नहीं है। नीचे कीजिए बोनेट, स्टार्ट अप कर दो भाई, ग्रेट। अब दूसरा चीज दिखाता हूँ, हाँ, इसका चारों टायर देखिए। अच्छा टायर, अच्छा लाइव दिखाइए, सामने दिखाने के लिए तो लाइव दिखाइए, एकदम लाइव दिखाता हूँ, दिखाइए टायर, एक गुटी देखिए, गुटी क्या, ये देखिए ये सूता है, एकदम नया टायर है, और एक नहीं चारों का चारों टायर नया है। क्या बात है भाई, नहीं दादा आप जो बोलते हैं ये सचमुच बिल्कुल वीडियो का साथ एकदम मिल जाता है, मिलना जरूरी है दादा, और इसके लिए हम लोगों का जो व्यूअर्स है आपको इतना इज्जत भी करते हैं, जो अमित दा के पास जाता हूँ कोई भी कार लेता हूँ तो भाई मतलब जो रहता है भैया खुल के बताना, सोचना नहीं पड़ेगा फिर। एक्चुअली क्या बताना दादा, देखिए मेरे पास जो भी गाड़ी लेने आता है मैं क्लियर बता देता हूँ, क्लियर, क्योंकि देखिए मैं आपसे छुपा के रख के फायदा तो नहीं, आज नहीं तो कल आपको फिर पता जब चलेगा तो मेरा भी नाम बदनाम होना है ना, सही बात, ये चीज होना ही नहीं है बिल्कुल। अब मैं बता देता हूँ, अभी तक जितना गाड़ी आपने देखा फर्स्ट ओनर है, ये फर्स्ट ओनर के पास ही था। अच्छा ठीक है, जब वो कंपनी में थे, उनका कंपनी से जब शिफ्ट चेंज हुआ, वो जब अपने मैंने घर पे चले आए, ट्रांसफर हुआ उनका या जो भी हो सकता है, ये गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफर कर लिया गया। अच्छा, इसलिए इसको सेकंड ओनर हो चुका है, सेकंड ओनर। अच्छा ठीक है, ये चीज बता देना जरूरी है, क्योंकि आप भी आके बोलेंगे बता दा गाड़ी तो सेकंड ओनर है, लेकिन सेकंड ओनर ऐसे नहीं है, फर्स्ट ओनर के पास ही था, जस्ट कंपनी से उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उनके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कंपनी जो गाड़ी जिसको गिफ्ट करता है वो सेम ओनर का पास ही है, एक्चुअली सेम ओनर के पास ही है, फर्स्ट ओनर के पास ही है, बट सिर्फ नेम ट्रांसफर हो चुका है, नेम ट्रांसफर हो। तो भैया ऐसा तो नहीं, झूठ बोल के तो फायदा नहीं है, जो है सो है, जो है हकीकत, ये सेकंड ओनर गाड़ी है, और मेरे पास सेकंड ओनर होना मतलब मैं तभी सेकंड ओनर गाड़ी लाता हूँ, या तो वो गाड़ी घर पे किसी के पास था, घर में किसी ने अपने नाम पे करवा लिया है, या तो कोई कंपनी के नाम पे था अपने नाम पे करवा लिया गया, इस हिसाब से मैं गाड़ी लाता हूँ, अदरवाइज कोई गाड़ी का नहीं। नहीं, आपका प्रिंसिपल ठीक है, बिल्कुल एकदम सही प्रिंसिपल है इनका। क्या रखे सर प्राइस? देखिए पहले बता देता, ये गाड़ी 14 की है, 14 की, 29 तक टैक्स है, 24 तक नहीं, 29 तक, 29 तक टैक्स है, ये भी ध्यान दीजिए, 14 की कार है, 29 तक टैक्स है। देखिए मार्केट में तो बहुत कोई बहुत कुछ मांग रहा है, मैं एक ही प्राइस मांगूंगा। अच्छा बताइए, 1,39,000, 14 की, 29 डीजल में, डीजल। और सबसे बड़ी बात है हम लोग प्रैक्टिकल बोनेट उठा के इंजन स्टार्ट करके मोबिल चेंबर से एकदम
निकल के आपको डायरेक्ट दिखाया, जो कोई बैक कैम कंप्रेसर नाम की चीज है नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। तो और एक बात बता देता हूँ, बैक कंप्रेसर है चले कोई भी आप मेरे पास से यहाँ गाड़ी लीजिए, वन ईयर की वारंटी मिलता है। अच्छा, वन ईयर की वारंटी, वारंटी हर गाड़ी में मिलता है। ऐसा नहीं है कि फिर आप लोग, अगर ऐसा है तो आप लोग गूगल में जाकर मेरा रिव्यू भी देख सकते हैं। जितने कस्टमर मेरे पास से गाड़ी लेके जाते हैं, हर किसी को वारंटी मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं मुंह पे बोलता हूँ वारंटी, वारंटी देता हूँ तो वारंटी का महत्व भी रखता हूँ। तो सही बात बोल रहे हैं। मेरे पास अगर आप कोई प्रॉब्लम के लिए कोई गाड़ी वापस आता भी है तो मैं उसको करके भी देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने जब प्रोडक्ट बेचा है तो मुझे उसका जिम्मेदारी भी लेना है ना, मुझे उसका जिम्मेदारी भी लेना है। देखिए, प्राइस भी काफी जस्टिफाइड है और सॉलिड कार है। आप अगर सॉलिड कार ढूंढ रहे हो, क्वालिटी कार ढूंढ रहे हो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पूरा ओरिजिनल पेपर्स का साथ कार चाहिए, तो दादा से अभी बात कीजिए, बिल्कुल ही देर मत कीजिए। ताकि जितना भी कारें दिखाए हैं आज इससे पहले कि इसका ये इस सब कारों का चाबी किसी दूसरे का हाथ में चला जाए, जरूरत क्या है भाई, आप आइए, ओनर बन जाइए, चुन के लेके जाइए और मजा लीजिए फैमिली का साथ, और फिर हमें कमेंट करके भी बताइए हाँ भाई ये कार लिया हो, और मिठाई का पैकेट भी लाइएगा। थैंक यू सो मच। ये गजब की कार है दादा, इसका भी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। इसका डिमांड खत्म नहीं होगा भाई, ये भाई ऐसा एक बम फटने वाला है ना इसमें। हाँ। आपको अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखिए बम फटाएगा, बम फटने वाला है। अच्छा? बहुत जोर बम फटने वाला। अच्छा, सबसे वाला रीजन बताते तो ये 2012 की गाड़ी है, 12 की कार, ठीक है। अच्छा, पूरा गाड़ी आप घूम के देख लीजिए, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। ये सुनिए, कोई भी अगर बता देना कि नहीं है, देख लीजिए अभी भी बोनेट में, बॉडी में, इसका चमक देख के कोई भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्रैचेस आपको मिल जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बात, इसमें बैटरी नया हुआ है, नया बैटरी है, न्यू बैटरी मिलेगा, न्यू बैटरी है भाई, ध्यान दीजिए। और एक बात, इसका चारों टायर भी न्यू है। अच्छा, अरे वाह, ग्रेट भाई, चारों टायर एकदम बिल्कुल न्यू टायर है। अब आते हैं इसके टैक्स पे। 12 की गाड़ी कब तक टैक्स होना चाहिए? 27 तक टैक्स। अगर मैं लाइफ टाइम दे दूं तो? अच्छा, ये लाइफ टाइम टैक्स है, लाइफ टाइम टैक्स है साहब। बस टैक्स को लेके आपको फिकर करना ही नहीं है, आपको नहीं। बस चलाना है। अरे ऐसा नहीं है कि वन टाइम टैक्स दिया हुआ था गाड़ी में। अच्छा, वन टाइम टैक्स होता है 15 साल के लिए। लाइफ टाइम टैक्स होता है वन टाइम, एक बार में ही आपको टैक्स भर दिया गया, दोबारा टैक्स नहीं देना है। मतलब जो भी लेंगे जितना दिन तक चलाएगा चलाएगा, बस उसके बाद आपको अगर किसी और को सेल करना तो कर लीजिए। सोचिए जरा, ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ना, मतलब ये सब कार मतलब मिलता नहीं है, वन टाइम टैक्स लाइफ टाइम टैक्स ये समझना जरूरी है। लेकिन इग्निशन व्हील्स में मिलता है। हाँ, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं चुन के लाता हूँ, चुन के लाता, मार्केट में ढूंढ ढूंढ के मुझे निकालना पड़ता। नहीं, नहीं, क्योंकि वीवर्स, और आपको वीवर्स काफी दिन से इंडस्ट्री में है दादा, आपका जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये सबको पता है। जो लोग जानते हैं अमित दा को, हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ, इनका तजुर्बा का सामने अच्छा अच्छा मतलब जानकारी वाले लोग भी हिमसिम हो जाते हैं। बताइए दादा, जी प्राइस देने वालों में एकदम धमाका पैक। अच्छा, 2,39,000। ये देखिए, बिल्कुल एकदम आपको टैक्स का फिकर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चारों टायर न्यू है, बैटरी बिल्कुल न्यू है, 2,39,000। और तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, और क्या कहने का है क्या? और शायद फाइनेंस नहीं होगा ना? नहीं, एक्चुअली 12 की गाड़ी में फाइनेंस होगा। 12 की गाड़ी फाइनेंस बता देता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा, क्लियर थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, होगा, बट 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। वो भी प्रोफाइल अच्छा होने, प्रोफाइल अच्छा है। देखिए अब बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लेने के बाद नुकसान क्या है, नहीं लेने से फायदा क्या है। अच्छा, अगर आप लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। हाँ। मगर देखिए, इसमें आपको प्रोसेसिंग चार्ज लग जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ। इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ। अब 1 साल में आप इंटरेस्ट क्यों भरने जाना है उतना? ये बात सही है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं जाना देना है। हाँ। ना ही आपको प्रोसेसिंग चार्ज ज्यादा देना है। हाँ। कैश में ले जाइए, सब कुछ फ्री। वाह, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना खूबसूरत कार है आपका सामने, वो भी VW का ब्रांड है, स्क्रीन पर नंबर है, फटाफट कॉल कीजिए, दादा से बात कीजिए, आइए टेस्ट ड्राइव कीजिए और फैमिली लेके एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार दिखा। बस ग्रैंड आइटन तो आप काफी देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग जो ग्रैंड आइटन दिखा रहा है ये काफी खास है, इसलिए बता रहा हूँ, दादा का मुंह से सुनिए। सर बताइए तो डिटेल। सबसे पहले तो इसका चारों अलॉय व्हील देखिए, चारों अलॉय व्हील सॉलिड आफ्टर मार्केट लगा, आफ्टर मार्केट है। आप नॉर्मली अलॉय व्हील खरीदने जाइएगा तो भी आपको कुछ भी नहीं, तो 20,000 रुपए चला जाएगा, वो तो लगेगा, नॉर्मल सी बात है सबको। दूसरा बात, ये कोई मैग्ना नहीं है, ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी कार है, वैल्यू फॉर पूरा मनी कार है। 60,000 चला हुआ है, जेन्युइन। वाह, वेरी गुड, जेन्युइन 60,000 चला है, पूरा गाड़ी आप ओरिजिनल पेंट पे मिलेगा, ठीक है, पूरा गाड़ी अच्छा से देख लीजिए, चारों टायर के साथ ओरिजिनल पेंट पे अभी भी गाड़ी, एकदम एकदम फैंटास्टिक कार है एकदम। दूसरी बात, इसका जो मैं प्राइस बोलने वाला हूँ ना, मार्केट में आप कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, इस प्राइस में ये कंडीशन की कार आपको नहीं मिलेगी। तो कब की कार है? 2017 की है, 17 की कार है, बस 27 तक टैक्स, 27 तक टैक्स भी है, ठीक है, इसमें लोन एकदम आराम से फंडिंग में कर दूंगा। हाँ, वो तो हो जाएगा, लोन फंडिंग आराम से हो जाएगा। हाँ। दूसरा बात, इसका हाँ। जो मैं प्राइस बताने वाला हूँ ना, एकदम वेजुअल प्राइस है। अच्छा, 3,59,000। ये देखिए प्राइस सुनिए,
3,59,017 की कार है, 27 तक टैक्स है, एलोय फिटिंग किया हुआ है, फोर स्पोर्ट्स मॉडल है, ये कोई मेगना नहीं है, डिलाइट नहीं है, मैग्ना नहीं है, स्पोर्ट्स है, यानी कि हुंडई की वैल्यू फॉर मनी कार होती है, स्पोर्ट्स मॉडल आपको पता है। और सबसे बड़ी जो बात है, हुंडई पैसा भी लेती है, भर भर के फीचर्स भी देती है इसके अंदर में। इसमें जितना फीचर्स है, अगर फीचर्स के बारे में बोलना था तो मुझसे खत्म ही नहीं होगा। एयरबैग है, एबीएस है, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल है, लेदर अपोलाइट सीट कवर है, पीछे एसी का वेंट है, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल है, ये बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक सिस्टम है जी जी, रियर एसी वेंट बहुत काम की चीज है, आपको भी पता है। सेगमेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इस टाइप के सेगमेंट में कोई देते नहीं है, लेकिन एक इसीलिए कह रहा हूँ, और कुछ कहने का तो है नहीं। स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है, इग्निशन व्हील्स के नंबर है, कॉल कीजिए, आइए शानदार ग्रैंड आइटम लीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार, मारुति की और एक डिमांडिंग कारों में से ये भी है, वैगनर। कितना भी सेल कीजिए, इसका डिमांड कभी पूरा कभी कम होगा भी नहीं इसका डिमांड, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए ऑल्टो वगैरह इंसान जो लेते हैं ना, उनका हाइट के लिए वगैरह चलिए चल जाता, हम लोग का जैसा हाइट है, बट थोड़ा सा अगर इंसान हम लोग से ज्यादा हाइट हो जाए ना, तो फिर ऑल्टो उनके लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ठीक। तो उनके लिए वैगनर परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है जी जी बिल्कुल। और इसमें माइलेज भी आपको पता ही है, भरपूर माइलेज, बहुत अच्छा माइलेज मिलता है एकदम भाई। पहले गाड़ी के बारे में बता दीजिए, 2013 की गाड़ी है, 13 की कार, 13 की है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गाड़ी रिपेंट किया हुआ है, अच्छा पूरा ओरिजिनल पेंट में ये भी है, एडवोकेट की गाड़ी है, प्लस ये दो टाइप की गाड़ी है, ये एक एडवोकेट और डॉक्टर ड्रिवन दोनों है। अच्छा, एडवोकेट प्लस डॉक्टर, बता देता हूँ इसका रीजन, अगर आप बहुत कोई बोलेगा भाई कैसे हो सकता है, ये बता देता हूँ कैसे होगा। जी, पहले जिसके नाम पे गाड़ी था ना, जिसके नाम पे गाड़ी है, वो एडवोकेट थे, अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कुछ दिन चलाया है, चलाने के बाद उनका बेटा जो है वो डॉक्टर है, ओके फैमिली में ही डॉक्टर है, ठीक है, तो उनका पापा ने जब बड़ा गाड़ी खरीदा तो बेटे को दे दिया, बेटे ने कुछ दिन यूज किया, अब बेटे ने नया गाड़ी लिया तो क्या करेंगे, गाड़ी मेरे को दे दिया, अब मैं आपके लिए रेडी करके खड़ा कर दिया। एकदम भाई, देखिए बेजिंग भी लगा हुआ है, एकदम बेजिंग लगा हुआ है, सही बात है। 13 की गाड़ी है, 13 एंड की गाड़ी है, ऐसा नहीं है 13 पहले की, 13 एंड की गाड़ी ठीक है, 28 तक एंड तक आपको टैक्स मिलेगा, 28 एंड तक, किलोमीटर 55 से 60 के बीच में है, ठीक है, नॉर्मल है। इसका भी हिस्ट्री मेरे पास है, अच्छा सर्विस हिस्ट्री है, ध्यान दीजिए, अभी तक जितना भी कार दिखाया दादा ने, हर एक कार का पेपर्स यानी कि सर्विस हिस्ट्री रखे है, जो नॉर्मली आपको मिलेगी नहीं कहीं, ये एक बहुत बड़ी खासियत है दादा। अच्छा, और क्या क्या है गाड़ी, ये एक बात बता दी, ये कोई नॉर्मल, ये VXI नहीं है, पहले ये मिसकॉन्सेप्ट दूर करता हूँ, ये VXI नहीं है, ये LXI है, LXI में और VXI में एक बीच में भी मॉडल आता है, अच्छा LXI ऑप्शनल है, ऑप्शनल में और VXI में फर्क क्या है, दो ही चीज का फर्क है, ऑटो, इसमें ऑटो फोल्डेबल आपको मिरर नहीं मिलेगा और पीछे बैक वाइपर नहीं मिलेगा, अच्छा LXI ऑप्शनल में जो VXI में रहता है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, डिफरेंस सब कुछ सेम है, वही बात है। प्राइस पे आता हूँ, प्राइस तो इसका जो प्राइस में देने वाला हूँ ना, पैकेज प्राइस होने वाला, अच्छा पैकेज प्राइस क्या है देखते हैं, पैकेज प्राइस ये है, इसका इंश्योरेंस, नेम ट्रांसफर, अच्छा एक ही प्राइस के अंदर रहेगा, ओके आप कहीं से भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप देख रहे हो, अगर लोन NOC हो NOC वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर से हो तो भी नाम ट्रांसफर आपको उसी प्राइस में हो जाएगा। वाह वेरी गुड, प्राइस होने वाला है 2,35,000 ओनली 2,35,000 में, नेम ट्रांसफर विद इंश्योरेंस के साथ। अच्छा 13 की एंड की कार है, यानी कि टैक्स 28 की एंड की एंड तक है, बस आप सोच लीजिए, अभी भरपूर एंजॉय कीजिए कार लेके, और जो प्राइस मांग रहा है ये काफी जस्टिफाइड प्राइस भी है, और एक चीज पूछ रहा हूँ, इसका क्या फाइनेंस पॉसिबल है? फाइनेंस हो जाएगा, तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, थोड़ा सा डाउन पेमेंट लेके आइए स्कूटी की बराबर, और फोर व्हीलर का मजा लीजिए, सामने विंटर भाई है। आप अगर बुलेट लेते हो ना तो भी 2,50,000 के नीचे नहीं मिलता, नहीं वो बात तो सही है, 2,50,000 के नीचे दो आदमी चढ़ोगे, चार आदमी की गाड़ी दे रहा हूँ, वो बात तो सही है, और ये सामने जो है विंटर की सीजन है, अब सोचिए फैमिली लेके दूर में कहीं जा रहे हो, कितना मजा आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, आप सबने देखा क्या क्या कार सर ने दिखाया, कैसे कैसे कंडीशन है, कितना किलोमीटर रन किया है, टैक्स कहाँ तक है, पेपर ओरिजिनल है कि नहीं, कार का इनसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या है। जब भी कोई कार खरीदने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमारा मन में बहुत सारे सवाल आती है, बहुत सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो का माध्यम से सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है, अच्छा तो जरूर लग रहा है। फिलहाल जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वो इग्निशन व्हील्स का नंबर है, आप अभी कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप अपना टाइम के हिसाब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर, व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज प्लीज। व्यूअर्स के लिए मैसेज है, देखिए गाड़ी हमारे यहाँ से, एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ गाड़ी कोई भी लेने आता है ना तो मैं हमेशा एक बात बता दूँ, आप मेरे से बात मत करो, चाबी लो, टेस्ट ड्राइव करे, फिर मेरे से बात करो, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका भी व्यूअर्स जो होते हैं ना, कोई भी इंसान ट्रस्ट के ऊपर आता है, आपका भी वीडियो देख के आएगा तो मेरे पास ट्रस्ट करके आएगा, सही बात है।
और रहा दूसरा बात, अगर बेटर से बेटर और भी चाहते हैं गाड़ी, बेटर और भी कुछ कलेक्शन आने वाला है, तो दोयल दा का वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए इसके बाद जो स्टॉक आने वाला है और भी धमाकेदार आने वाला है, एकदम धमाकेदार। छोटा सा एक बात बता, ऐसा ऐसा स्टॉक आने वाला है जो मार्केट में शायद ही है, छोटा सा बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। दोयल दा बीच में मेरा प्रॉब्लम थोड़ा हुआ तो आपको भी पता है, तो मैंने वीडियो बंद कर दी, तबीयत खराब हो गया था दादा का बहुत, इसीलिए हम लोग भी डिस्टर्ब नहीं किए बीच में, ठीक है। तो अभी जो इसके बाद जो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, उसमें और भी अच्छा अच्छा कंडीशन में गाड़ी मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोयल दा को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा जी। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।